हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही जल्दी बनने वाला हेल्दी और स्वादिष्ट नाश्ता बनाएंगे। हम बनाएंगे पोहे, तो आइए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम पोहे लिए हैं, 2 कटी हुई आलू ली है, नींबू का रस लिया है, हरी धनिया, 2 कटी हुई प्याज, कड़ी पत्ता, अदरक, सींग दाना, हरी मिर्च, ऑयल लिया है, ये मैंने नमक लिया है, चीनी ली है, राई लिया है, हल्दी। पोहे को मैंने धोकर छान लिया है। इस तरह से फॉक की मदद से इसे मिला दें। अब इसमें 2 चम्मच चीनी डालूंगी। स्वाद अनुसार नमक डाल दें। इसे अच्छी तरह से मिला देते हैं। मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया है, ये मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया है। अब हम सींग दाना डाल के इसे गुलाबी होने तक भूनेंगे। ये देखिए, ये गुलाबी हो गया है। अब इसे हम बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हम आलू को डाल के उसे फ्राई करेंगे। ये देखिए, इसे हम पकने अच्छी तरह पक जाए तब तक फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमारे आलू अच्छी तरह से गुलाबी हो गए हैं और ये अच्छी तरह से पक भी गया है, तो इसे हम बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम तड़का लगाएंगे। ये मैंने 1 चम्मच राई डाल दी है। हरी मिर्च डाल दें, अदरक डाल दें, कड़ी पत्ता और ये कटी हुई प्याज डाल के इसे गुलाबी होने तक भूनेंगे। ये देखिए, हल्का गुलाबी हमारी प्याज भुन गई है। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी डाल दें। इसे मिला देते हैं। अब हम पोहों को मसाले में डाल देते हैं। नमक और चीनी हमने पहले से ही डाल रखी है, इसे अच्छी तरह से मिला दें। देखिए, मैंने मिला दिया है। अब ये फ्राई किए हुए आलू और सींग दाना डाल दें। इसे मिला देते हैं। आप चाहें तो इसे इस तरह से टॉस कर दें ताकि हमारे पोहे टूटे भी नहीं और अच्छी तरह से मसालों में मिक्स हो जाएं। ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से मिला दिया है। ये आधा नींबू का रस डाल दें। इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे। हमारे पोहे बनकर तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता है। इसे अब सर्विंग प्लेट में निकाल देती हूँ। ये मैंने धनिया पत्ता डाल दिया है। ये बारीक कटी हुई प्याज डाल दें। और ये मैंने एकदम बारीक सेव डाली है जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़ेदार लगे। तो इस तरह से आप घर पर पोहे बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।